दिल्ली में लगातार कोरोना वायरस के संक्रमण के मामलों के बढ़ने की वजह से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि देश में तीसरी और दिल्ली में पांचवी लहर आ चुकी है। ऐसा लगता है कि आज लगभग 10,000 पॉजिटिव मामले आएंगे और पॉजिटिविटी रेट लगभग 10% होगा। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक स्वास्थ्य मंत्री ने बताया, दिल्ली सरकार ने प्राइवेट अस्पतालों को निर्देश दिया है कि वो कोरोना पीड़ितों के लिए आरक्षित बिस्तरों की संख्या को उनकी क्षमता को 10 से बढ़ाकर 40% कर दें। सरकारी अस्पतालों में लगभग 2% बिस्तरों का इलाज के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री के मुताबिक दिल्ली सरकार ने एक कोविड वॉर रूम एक्टिव किया है, जो बिस्तर की उपलब्धता, मरीजों, ऑक्सीजन आदि के बारे में जिला और अस्पताल पर ब्यौरा तैयार करेगा। जब उनसे सवाल पूछा गया तो सत्येंद्र जैन ने कहा कि क्या चाहते हैं, हम चुनाव नहीं लड़े, कोविड के मुश्किल वक्त में हमने चुनाव लड़कर एक उदाहरण पेश किया है। दिल्ली के भीतर जितनी पाबंदियां लगाई जा सकती थी लगा रहे हैं। गौरतलब है कि दिल्ली में मंगलवार को कोरोना के 5,481 नए मामले सामने आए, जो 16 मई के बाद सामने आए सर्वाधिक दैनिक मामले थे। वहीं संक्रमण दर 8.37% थी और संक्रमण से 3 और मरीजों की मौत हुई है।